शर्मिला फरूखी ने इकरा जी के साथ सारी हदें पार कर दी हैं। कौन सी हदें पार की हैं सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने फैक्ट्स मैटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन रन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जी हाँ, उनका नोटिफिकेशन मिलेगा। इकरा जी ने कुछ दिन पहले, बल्कि एक दिन पहले की बात है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाई है। पोस्ट में देखा जाता है, अगर हम तस्वीर को गौर से देखें तो उस तस्वीर में मौजूद उनके शौहर यासिर हुसैन जो है वो डायपर तब्दील कर रहे हैं बच्चे का। तो उनका अभी जो बेटा हुआ है कबीर हुसैन, उसका डायपर चेंज कर रहे हैं और उनको उसको नहला भी रहे हैं, उसके साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, उसके काम बच्चों के साथ टच में है। तो ये सब कुछ तस्वीर शेयर करने के बाद ऊपर इकरा अजीज़ ने ये लिखा कि जो मेरे शौहर हैं, जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था और डिलीवरी होने तक और इस वक्त तक मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे उन पर बहुत फ़ख्र है कि वो हर काम में मेरी मदद करते हैं, और मेरे चाहे बच्चों का मामला हो या घर के दूसरे काम हो और डायपर तब्दील करना हो, बच्चे को नहलाना हो और भी बहुत कुछ, बच्चे के साथ खेलना हो, तो यासिर हुसैन मेरी बहुत मदद करते हैं। तो ये ट्वीट, ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट देख कर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी ने एक जवाब में कहा कि इसमें फ़ख्र का नहीं क्या बात है, ये तो वालदैन का फ़र्ज़ बनता है। जब मैं बीमार होती हूँ या मैं मसरूफ़ होती हूँ तो मेरे बच्चों का ख्याल मेरे हस्बैंड रखते हैं, वो उनको नहलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनका डायपर तब्दील करवाते हैं, उन्हें स्कूल भी छोड़ के आते हैं। ये हम दोनों का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, लेकिन इसमें किसी भी ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है कि आपको फ़ख्र महसूस हो कि ऐसा होना चाहिए। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये वालिद का भी उतनी ही ज़िम्मेदारी बनती है जितनी माँ की बनती है, दोनों ही अपने बच्चों को ज़िम्मेदार होते हैं हर एक चीज़ के लिए, उनके हर चीज़ का ख्याल रखने के लिए। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैक्ट्स मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।